अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा कराम, आज हम ज़हनी आजमाइश यानी मेंटल एबिलिटी में एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मज़मून का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं, और वो है जैसा कि आप देख रहे हैं साया कह सकते हैं इसे या अक्स। ये मेंटल एबिलिटी का एक अहम और बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप हल कर लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आप पेपर में हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको समझने के लिए देखिए, 2 अहम पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक आसान है, लेकिन 2 बातें अगर आपने याद रख ली हैं तो ये टॉपिक आसान लगेगा वरना मुश्किल। देखिए, पहली बात, आईने में अक्स या साया और पानी में अक्स या आप साया कहें, इनमें भी दो दो बातें हैं। एक बात सबसे अहम, पानी में अक्स और आईने में अक्स, इस बात को देखिए, आपको 2 बातें बताई जाती है। आप जब पानी में कोई चीजें देखते हैं, जैसे कोई सीनरी, कोई मंजर याद कीजिए, आप कोई सीनरी कोई मंजर जब आप देखते हैं तो उसमें जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और पर्वत वगैरह होते हैं, सब पानी में उल्टे बनाए रहते हैं, यानी अपसाइड डाउन, सर की तरफ पैर, पैर की तरफ सर। तो जब भी कभी पानी में कोई अक्स बनाना हो या पहचानना हो तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। ये पानी में अक्स के लिए सबसे अहम बात है। आगे, आईने में अक्स, आईने में अक्स जब भी आप देखते हैं, देखिए घर में आप आईना जरूर देखते होंगे, उसमें आप जैसे ही सीधा हाथ ऊपर करते हैं तो आईने वाला उल्टा हाथ ऊपर करता है, यानी सीधे हाथ से अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो आईने में उल्टा हाथ दिखाएगा, यानी दायां जो है वो बायां बन जाएगा, बायां जो है वो दायां बन जाएगा। तो ये 2 अहम बातें हैं। अगर ये दोनों बातें आपको जहन नशीन हो गई तो इस तरह का कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगने वाला है। फिर से एक मरतबा देख लीजिए, आईने में दायां बायां हो जाएगा और बायां जो है दायां हो जाएगा, यानी दाएं तरफ जो चीजें हैं वो बाएं तरफ आ जाएगी और बाएं तरफ जो चीजें हैं वो दाएं तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से आईने पानी में जब अक्स बनाया जाएगा तो ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली जो चीजें हैं वो ऊपर आ जाएंगी। चलो उसको कुछ मिसाल से हल करते हैं। आमतौर पर जो पेपर होता है एग्जाम, उसमें अल्फाबेट्स दिए जाते हैं या फिर गिनती यानी काउंटिंग वगैरह दी जाती है। जैसे आप देखेंगे नॉर्मली 5 और 2, इन दोनों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन बनाने में सबसे अहम बात यही है कि जो सामने वाला पेपर बनाएगा वो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए और पेचीदा बनाने के लिए, लेकिन होगा वो आसान। हम देख रहे हैं आईने में अक्स, आईने में अक्स अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा आईने में अक्स पहचानिए, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो इस तरह एक निशान बना होगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये आईना है, इसका अक्स जो है वहां पर पड़ने वाला है। तो जैसा कि बताया गया था, आईने में सीधे हाथ की तरफ वाला उल्टे हाथ की तरफ चला जाएगा, उल्टे हाथ वाला जो है सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं होगा, जैसे देखिए 5 हमारे बाएं जानिब है और 2 जो है दाएं जानिब है, तो आप सोचेंगे कि 5 जो है वो हमारे बाएं जानिब है तो दाएं जानिब आ जाएगा और 2 जो है बाएं जानिब है तो बाएं जानिब चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये अपनी जगह तब्दील हुई। अब यहां पर जो चीजें हैं, एक एक बारीक बारीक नुक्ता, वो तमाम के तमाम भी तब्दील होंगी। जैसे ये जो 5 का दायरा नजर आ रहा है, ये अपने बाएं जानिब खुला है इस तरफ, तो अब जब आईने में अक्ष बनाया जाएगा तो ये उल्टा यानी बाएं जानिब की बजाय ये दाएं जानिब खुला हुआ रहेगा, और ऊपर का नीचे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसा रहेगा। और ये जो लकीर है अपने दाएं तरफ जा रही है तो ये बाएं तरफ जाने वाली है, बिल्कुल उसी तरीके से। ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे का कुछ नहीं होगा, सेम वैसा ही रहेगा, नीचे का ऊपर नहीं जाने वाला। अब ये देखिए, ये जो यहां से शुरू हो रही है 2 की लकीर, यानी अपने बाएं तरफ से, तो यहां पर अपने दाएं तरफ से शुरू होगी इस तरह,
ये हमारा सही जवाब है। ध्यान में रखिए, आप बहुत ज़्यादा जंबल होने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हिंदी या उर्दू के भी हरूफ दिए जाते हैं, ध्यान रखिए। इस तरीके से देखिए, अब इसका जो है हमें पानी में आईने में अक्स दिखाना है। तो देखिए, ये जो तीन लकीरें हैं वो सीधी लकीर की किस तरफ है, दाएं जानिब है। पहली बात तो ये तीन आदाद हैं, ये दरमियान वाला दरमियान में ही रहेगा, अपने बाएं तरफ वाला यानी जो है बाएं तरफ वो दाएं तरफ आ जाएगा, यानी इस तरफ यहाँ ई आ जाएगा और यहाँ पर टी आ जाएगा, हो गया ये। अब ए, ए का दायां और बायां अगर आप गौर करें तो बिल्कुल सेम है, तो ए बिल्कुल तब्दीली नहीं होगी, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। टी का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा देखिए बिल्कुल सेम है, तो कोई तब्दीली नहीं होगी। और ई जो है सिर्फ लकीर सीधी है और जो तीन लकीर है वो इस तरफ जा रही है यानी दाएं तरफ जा रही है, तो हमारे इसमें बाएं तरफ आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आईने में अक्स। यही चीज़ का हमको अगर आईने में अक्स की बजाय पानी में अक्स पूछ लिया जाए, जैसे देखिए ये 52 है, पानी में अक्स बनाने के लिए ये जो लकीर है वो इस तरह की से बनाई जाएगी। इम्तिहान में ये लकीर बनी भी हो सकती है और नहीं भी बनी आ सकती है, और अगर नहीं बनी हुई तो ऊपर लिख दिया जाएगा कि पानी में अक्स बताइए। उसके बाद यहाँ पर चार शक्लें दी जाएगी आपको, चार शक्लों में से एक शक्ल का इंतखाब करना होगा जो कि दुरुस्त शक्ल होगी। जैसे एक ऐसी शक्ल हो सकती है, एक ऐसी शक्ल बनाई जा सकती है, और बिल्कुल एक ऐसी शक्ल हो सकती है, और इस तरीके से एक इस तरह भी शक्ल बनाई जा सकती है। देखिए, अभी हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आया ये दो आदाद हमें आईने में अक्स नहीं बल्कि पानी में देखना है, यानी ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। देखिए, ये जो ऊपर की लकीर है वो नीचे आ जाएगी और खड़ी लकीर में कोई तब्दीली नहीं होगी, और ये जो नीचे का दायरा है वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन दायरा जो है उसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, कहाँ, हमारे बाएं जानिब खुला हुआ है, लेकिन उसको हमें बाएं जानिब ही खुला हुआ रखना है। क्यों? क्योंकि दाएं का बाएं पानी में नहीं होता, आईने में होता है, दाएं का बाएं बन जाता है, बाएं का दाएं बन जाता है, लेकिन पानी में बिल्कुल तब्दीली नहीं होगी। पानी में क्या तब्दीली होगी, ऊपर का नीचे चला जाएगा और नीचे का ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इसको, ये जो नीचे लकीर है वो ऊपर आ जाएगी, और ये जो हिस्सा है ये हमारा दाएं तरफ से ऊपर जा रहा है, तो यहां पर भी हमारा दाएं तरफ से ही ऊपर जाएगा, क्योंकि दायां बायां इसमें कोई मामला नहीं होता, सिर्फ ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाता है। तो इस जो ये शक्ल है बनी है हमारे जवाब में से कोई भी इसकी शक्ल नहीं है। तो हम लोगों को देखना है और गौर व फिक्र करना है और हम लोगों को सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश करना है। आसान सवाल है, आप बोर्ड के पर्चे पिछले साल के या और पुराने साल के उठाकर देखें तो आपको कम से कम 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक भी इस टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। आसान है और 5 नंबर मुफ्त में मिलते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको एक मरतबा रिवीजन की ज़रूरत है तो वीडियो को दोबारा एक मरतबा फिर से देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।